क्यों आ रहा है भोपाल के महबूब का नाम सबकी जुबां पर, जानिए कैसे महबूब ने बचाई 20 वर्षीय युवती की जान। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भोपाल के बरखेड़ी रेलवे फाटक पर एक ऐसा घटना हुई है, एक ऐसी लोमहर्षक घटना जिसने आज भोपाल निवासी कारपेंटर का काम करने वाले मोहम्मद महबूब का नाम सबकी जुबा पर चढ़ा दिया है। हर कोई महबूब के कारनामे को देखकर गदगद हो रहा है और महबूब की तारीफ किए बगैर नहीं रह रहा है। मोहम्मद महबूब 5 फरवरी सुबह 8 बजे के करीब भोपाल के बरखेड़ी रेलवे फाटक से गुजर रहा था। उसी दौरान एक और परिवार वहां गुजर रहा था, मगर मालगाड़ी आ रही थी, परिवार रुक गया। एक 20 वर्षीय युवती बीच पटरी में जाकर असमंजस की स्थिति में फंस गई। ट्रेन बेहद करीब आ चुकी थी, सभी देख रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद महबूब ने सीधे पटरियों के बीच छलांग लगाई और इस युवती को लेकर वो पटरियों के नीचे लेट गए और उसका हाथ पकड़कर, सर पकड़कर उसको दबाए रखा ताकि गुजरती हुई ट्रेन उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। मालगाड़ी के लगभग 28 डिब्बे यानी 28 बोगियां पार होने के बाद महबूब ने सही सलामत इस युवती को खड़ा किया। देखिए ये लोमहर्षक महबूब का भोपाल बरखेड़ी फाटक का वीडियो। ये हमारे महबूब भाई हैं जिन्होंने अपने जान पर खेलकर एक लड़की की जान बचाई जो ट्रेन के नीचे आ गई थी। बताइए महबूब भाई, कैसे क्या हुआ था? हम लोग ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ से आ रहे थे तो ट्रेन मालगाड़ी चल रही थी तो वो मंदी हो गई। मंदी होने के बाद हम लोगों ने कहा ऊपर से निकलेंगे, ऊपर से हम चढ़ के निकल गए थे तो हमारे दोस्त सुशांत भाई करके वो ट्रेन के नीचे से निकले थे तो उनके पीछे से एक लेडीज आ रही थी तो हम निकलने के बाद निकले तो सुशांत भाई निकले तो ट्रेन चालू हो गई थी, बीच में वो लेडीज़ फंस गई थी तो उस लिहाज से वो है ना वहाँ पर मतलब उनका हाथ जो ना ट्रेन के पास था, सर भी करीब था, पहियों के करीब था तो उसकी वजह से एकदम हमने देखा कि यार ये मुसीबत में है तो एकदम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं उनकी जान बचाने के लिए कूद गया। क्या हो सकता है मेरी बहन भी होंगी, कोई भी हो सकता, अपना अपना ही होता या दूसरा होता। बेशक, बेशक, सही मैंने सोचा कि एक इंसानियत के नाते उनको मतलब मदद की ज़रूरत है।